कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कि आप सही तरीके से कैसे अपने बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं, और अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो उस समय आपके बहुत सारे बाल झड़ते होंगे, तो उसको कम करने के लिए आप किस तरीके से ऑयलिंग करें, मतलब बालों में ऑयलिंग करने का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर मेरे चैनल पे बैक टू बैक दो वीडियोस है। और उनमें से जो रिसेंट वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक चीज कहा था कि सीजन वाइज हमें अपने बालों के लिए ऑयल को चूज करना चाहिए। मतलब जो तेल गर्मियों के समय आप अपने बालों में लगा रहे हैं, हो सकता है सर्दियों के समय वो तेल आपके बालों के लिए उतना अच्छा ना हो, क्योंकि गर्मियों के समय हमारा मेन कंसर्न रहता है कि हमारे स्कैल्प में पसीना ना हो, क्योंकि स्कैल्प में अगर पसीना जमता है तो बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। और सर्दियों के समय हमारा मेन कंसर्न यही रहता है कि इस समय हमारे बाल ड्राई ना हो, क्योंकि ड्राई होगा तो बाल झड़ जाएगा। तो अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग टाइप का हेयर ऑयल मार्केट में मिलता है, या फिर हम उनको घर पे तैयार भी कर सकते हैं, जो सीजन वाइज हमारे बालों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो आज के वीडियो में ऐसा ही एक हेयर ऑयल का रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, और मेरे जितने सारे व्यूअर्स के कर्ली बाल है, घुंघरालू बालों के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियोस बहुत ही कम है, लेकिन अगर आपके बाल कर्ली है, आई एम टेलिंग यू ये हेयर ऑयल आपके बालों में जो ड्राइनेस है, जो रूखापन है, जो अगर आपके बाल बेजान है वो ठीक कर देगा। तो इस रेमेडी को आप घर पे ट्राई कीजिए गाइस। और इस तेल को मैं पिछले कई सालों से अपने बालों में लगा रही हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं होममेड चीजें ही ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और अपने चैनल पे मैं समय समय पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू तो करती हूँ, लेकिन होममेड चीजें, होममेड ऑयल ही मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है। तो अगर इस सर्दी के मौसम में आपके बहुत सारे बाल झड़ रहे हैं, दो मुहे बालों का प्रॉब्लम है, बाल खोल नहीं पा रहे हो, बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो ये एक हेयर ऑयल इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक अमेजिंग सा DIY हेयर ग्रोथ ऑयल का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, थिन हेयर का प्रॉब्लम है, लो पोरोसिटी बालों का प्रॉब्लम है, और अगर आपके घुंघरालू बाल है, मॉइस्चराइज करने के लिए और पोषण देने के लिए इस तेल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस तेल को अप्लाई कैसे करना है। इस तेल से अगर आप बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो हफ्ते में 3 दिन इस तेल को अपने बालों में लगाइए, रात में लगाइए और ओवरनाइट रखिए, अगले दिन अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। तो बालों में तेल लगाने से पहले बालों को दोनों सेक्शन पे डिवाइड कर लो, और उसके बाद अच्छे तरीके से कोम करके डिटैंगल कर लो, और उसके बाद इस तेल से अच्छे तरीके से चंपी कर लो। अगर तेल को थोड़ा सा वार्म करके अपने बालों में लगाओगे, उससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और स्कैल्प मसाज उन लोगों के लिए नहीं है जिनके बाल मसाज करने पर बहुत ज्यादा झड़ते हैं। अगर आपके बाल स्कैल्प मसाज करने से नहीं झड़ते हैं तो थोड़े से तेल बालों में लगाकर हल्के हाथों से बालों को मसाज कीजिए, इससे आपको आराम भी मिलेगा और आपके बाल जल्दी जल्दी बढ़ेंगे भी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा आपके स्कैल्प का। चलिए आगे देखते हैं इस तेल को तैयार कैसे करना है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं एलोवेरा। एलोवेरा हमारे बालों को ना ही मॉइस्चराइज करता है बल्कि हाइड्रेट भी करता है, दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, अगर आपके बालों में शाइन नहीं है उसको ट्रीट करता है, अगर आपके इलाके में आयरन वाटर का प्रॉब्लम है और आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं उसको ठीक करने के लिए आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ढेर सारा एलोवेरा कलेक्ट कर लिया है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि एलोवेरा ऑयल इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑयल। तो इसके लिए एलोवेरा के साथ हम यहाँ पे लेने वाले हैं कुछ तेल। जब भी आप घर पे कोई भी होममेड हेयर ऑयल तैयार करें, मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि 2 से 3 तरीके का तेल लेकर अपने जो होममेड हेयर ऑयल है उसको तैयार करें, इससे आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एलोवेरा हेयर ऑयल बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इसीलिए जिनके स्कैल्प में ऑयल सूट नहीं करता है या फिर जिनको लो पोरोसिटी हेयर का प्रॉब्लम है वो ना एलोवेरा ऑयल को अपने बालों में लगा सकते हैं। पतले फाइन वालों के लिए एलोवेरा इज अ बेस्ट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे एलोवेरा के साथ हम मिलाने वाले हैं सबसे पहला ऑयल, दैट इज हमारा कैस्टर ऑयल। हमने लिया है कैस्टर ऑयल, लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच आपको कैस्टर ऑयल लेना है। कैस्टर ऑयल लेने के बाद इसके साथ हम यहाँ पे मिलाने वाले हैं हमारा फेवरेट बादाम तेल। तो बादाम तेल आप ले लीजिए, जिनके स्कैल्प में भारी तेल सूट नहीं करता है वो बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम तेल लिया है, आप अपने किसी भी फेवरेट ब्रांड का ले सकते हो। अब इसके साथ मैं फाइनली और एक इंग्रेडिएंट मिलाने वाली हूँ जो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है कलौंजी। तो कलौंजी आपको थोड़ा सा लेना है और इसके साथ मिला देना है। मिलाने के बाद ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे तरीके से मिला दिया है, इसको पकाने की बारी है।
तो पकाने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं एंशियंट तैलपक्कम प्रोसेस से इस तेल को तैयार करने वाली हूँ, जिसमें इंग्रेडिएंट को हल्के आंच में बॉईल करके तेल को तैयार किया जाता है। और अगर आप एंशियंट तैलपक्कम प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, देन गो फॉर डबल बॉयलर मेथड, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो इसमें ना एकदम आंच को धीमी कर देना है और अच्छे तरीके से तेल को उबालना है। थोड़ा सा टाइम लीजिए और तेल को सबसे पहले एकदम धीमी आंच पे पकाइए, उसके बाद गैस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए फ्लेम को, उसके बाद फिर से फ्लेम को आहिस्ता कर दीजिए। इस तरीके से फ्लेम को एक बार बढ़ाइए, एक बार घटाइए, और ऐसा करते करते आपका तेल तैयार हो जाएगा। तो अगर आप जो एलोवेरा ले रहे हो उसको मिक्सी में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हो और उसके बाद तेल तैयार करते हो, बढ़िया। मैंने ऐसा नहीं किया था, बाद में मैंने एलोवेरा को तेल के साथ स्मैश करके अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से हम तेल को तैयार कर लेंगे गाइस। अब तैयार करने के बाद ठंडा हो जाएगा तो कांच की शीशी में आप इसको रख दीजिए। सो तेल जब रेडी हो जाए, तेल को गैस ओवन से निकाल लीजिए। निकाल लेने के बाद उसके साथ आपको मिलाना है विटामिन ई का ऑयल। तो मैंने यहाँ पे जितना तेल तैयार किया है उसके साथ 2 विटामिन ई कैप्सूल से ऑयल को निकाल कर ले लिया है। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल अलग से है उसको भी आप मिला सकते हो। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तेल जब आप उबाल रहे हो गैस में उस टाइम पे आपको विटामिन ई का ऑयल नहीं मिलाना है, निकालने के बाद ही मिलाइए। Your oil is ready and you can try this oil during this entire winter. तो इसको आप लोग try कीजिए और try करके अपना feedback मेरे साथ share कीजिए। बस aloe vera oil लगाने से एक problem होता है, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको रात में नहीं लगाएं। दिन के समय तेल को लगाकर सारा दिन रखिए, अगले दिन शैम्पू कीजिए, लेकिन रात के समय लगाओगे तो आपको ज़्यादा ठंड लग सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।